हाय फ्रेंड, आज हमारे पास इको स्पोर्ट आई हुई है, इको बूस्ट, और हमने इसका इंजन खोला हुआ है, ये देखिए। और ये सारा इसका पार्ट है, और क्यों खोला हमने ये सारा कारण आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये इसका इंजन है, ये देखिए। ये सारा हम पहले आपको इसका एक एक पार्ट का दिखा देते हैं कि किस तरीके का इसका पार्ट है और कैसे कैसे इसमें क्या क्या दिक्कत है। ये देखिए, ये इसका पार्ट है, ये सारा जो हमने खोला हुआ है। ये इसका ऑयल पंप है, ये देखिए ऑयल पंप में कितना कचरा भरा हुआ है इसके। ये इसका ऑयल पंप है, बेल्ट चलती है इसके अंदर, इसके इंजन ऑयल के अंदर ही बेल्ट चलती है। ये दोनों इसकी बेल्ट है, ये इसकी ऑयल पंप की बेल्ट है, और इसकी ये टाइमिंग बेल्ट है जो ऑयल के अंदर ही चलती है, इंजन ऑयल के अंदर ही। और ये देखिए इसकी जाली है जो चैम्बर के ऊपर लगी होती है अंदर की तरफ। और ये इसका टैबिट कवर है, ठीक है। और ये सब इसके माउंट है, ये माउंट है, ये गियरबॉक्स माउंट है, ये इंजन माउंट है। ये इसका वाटर पंप है, बिल्कुल ये ख़राब हो गया है। ये देखिए इसके अंदर आवाज़ है, सुनो अगर आपको आवाज़ आ रही है इस तरीके की, देखिए। और ये वाटर पंप है, ये ख़राब हो गया। ये इसकी इस तरीके की पुली होती है, इको बूस्ट इंजन ऐसी ये क्रैंक पुली होती है। और ये देखिए इसकी ये पेट्रोल होती है, इको बूस्ट जो इंजन है वो पेट्रोल में आया है। और ये इसकी कोयल है, ये देखिए कोयल इसी तरीके से होती है। ये इसका डिज़ाइन ऐसे ही होता है तिरछा, और डबल बोल्ट लगा होता है इसके अंदर, पावर बहुत होती है। और ये इसका पीसीएम है, ये हमने सारा ही कुछ इसका खोला हुआ है, वायरिंग के साथ उतर जाता है। ये इसकी वाटर पम्प की पुली है, 3 बोल्ट लगे होते हैं इसके अंदर। बाकी ये इससे पहले भी कहीं खुला हुआ था। ये इसका एडजस्टर बैरिंग है, फैन बेल्ट लगी होती है। और ये देखिए बाकी इसमें एमरॉन की बैटरी डली हुई है, जबकि इसमें फोर्ड की ही बैटरी चलती है। अगर आप एमरॉन या एक्साइड या किसी भी अदर पार्ट, अदर इसमें कंपनी की कोई भी बैटरी लगाते हो, तो इसमें क्या होता है, ये आरपीएम ज़्यादा होता है, ये ईसीएम जो होता है, इसका पीसीएम जो होता है ये ख़राब हो जाता है। ये इसके ज़्यादा आरपीएम की वजह से ये पीसीएम ख़राब हो जाता है, तो इसमें फोर्ड की ही बैटरी चलती है। और ये देखिए ये इसका फ्राई व्हील है, ये इसका फ्राई व्हील है, इस तरीके का फ्राई व्हील होता है, ये देखिए इसका फ्राई व्हील। और ये इसका गेयरबॉक्स है, उसका यहाँ से ऑयल निकलता है, गियर ऑयल यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ से डाला जाता है। ये एलिंग की है 8 की, और ये 19 का बोल्ट है, बाकी इसमें 19 और 18 दोनों ही लग जाते हैं, 18 का फिक्स होता है। ये इसके एक्सल है, ये देखिए। और ये हमने इसका सेल्फ भी खोला हुआ है, ये सेल्फ है इसका। और ये एक्सल का इसका वो है ब्रेकिट, जो पीछे डबल एक्सल होता है इसके अंदर। और ये पीछे गियर बॉक्स माउंट है, सेंटर माउंट जिसे बोलते हैं। ये इसका क्लच सेट है, ये क्लच सेट इस तरीके का होता है इसका, और इसी तरीके से लगता है। बाकी अगर आप इको स्पोर्ट में लगाओगे तो वो क्या होता है, वो इस तरीके से लगता है, वो ऐसे लगाया जाता है वो सेट। और इसमें जो है वो ये देख लेना होता है, इसमें लिखा होता है कि फ्राईविल साइड कौन सी साइड है और गियरबॉक्स साइड किधर से लगता है, इसमें लिखा होता है। ये इसका ऑल्टरनेटर है। बाकी मैं रमज़ान से होने की वजह से मेरी जो हालत है थोड़ी सी डाउन सी हो रही है, जिसकी वजह से मैं बोलने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल मुँह सूख जाता है पानी ना होने की वजह से, जो जुबान चिपक जाती है इसी वजह से बोलने में दिक्कत आ रही है। और ये देखिए ये इसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ब्लैकनेस आ रही है। और ये चेंज होएगा एसी सिस्टम इसका, एक पाइप इधर होता है, डबल सेंसर होता है इसके अंदर, एक यहाँ होता है और यहाँ एक यहाँ होता है। और ये देखिए ये इसकी थर्मोस्टेट बॉडी है, इसका तो मुझे लग रहा वाल भी निकाला हुआ है, क्योंकि इसका पहले कहीं इंजन खुला हुआ है और इसमें बहुत सारा जुगाड़ किया हुआ है। बाकी इसका सामान भी बहुत मुश्किल मिलता है, हमने ये सारा ही खोला हुआ है इसका आगे का। ये इसका मैनिफोल्ड है, इंटैक मैनिफोल्ड,
और इसमें थ्रोटल बॉडी लगी हुई है ये देखिए। और इसका अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रीजन क्या है खोलने का। ये देखिए ये इसका टर्बो है, ये टर्बो बिल्कुल ख़राब हो गया इसका। ये टर्बो में बहुत ज़्यादा पिले हैं इसके, ठीक है। और टर्बो के कारण की वजह से ही एक तो इसका पिकअप ख़त्म था, सबसे जो पहले कारण है इसका बिल्कुल पिकअप ख़त्म था। दूसरा जो इसके अंदर इंजन ऑयल की बहुत ज़्यादा लीकेज थी, बहुत भयंकर वाली, जिसकी वजह से इसमें इंजन ऑयल ख़त्म हो गया। और इसके जो पीस है वो बिल्कुल इसके घिस चुके, जो मैंने अभी इसका ऑयल पंप में जो आपको कचरा दिखाया था, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ इसके किस तरीके से इसके अंदर चाल आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखिए ये सारे ही में हैं, सब में ही इसमें तीन पिस्टन होते हैं और तीनों में ही ऐसी भयंकर वाली पिले आ रही है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। और ये इसकी इस जो फ्लाईव्हील साइड सील होती है वो इस तरीके की होती है, ये देखिए आपने कभी पहले देखी भी नहीं होगी, अगर नहीं खोला होगा इको बूस्ट का इंजन, और अगर खोला होगा तो ज़रूर देखी होगी, और नहीं खोला होगा तो आप देख लीजिए इस तरीके की इसकी सील होती है, ठीक है। और ये इसका इंजन है, ये इसका ऑयल सर्कुलेट है, ये ऑयल फिल्टर है इसका, ये ऑयल फिल्टर बॉडी है, ऑयल फिल्टर कूलर जो ऑयल को ठंडा करता है, इसमें पानी भी चलता है, ये पाइप लगे हुए हैं ये देखिए। बाकी मेरे थोड़े समझाने में और बताने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं रमज़ान से हूँ ना, तो मेरी थोड़ी जो ज़ुबान सूख रही है ना, उसकी सूखने की वजह चिपक जाती है। तो ये देखिए इसका चैम्बर है, चैम्बर में देखिए कितना ज़्यादा कचरा है इसमें। और ये इसका टाइमिंग प्लेट है, और ये टाइमिंग प्लेट है, इसमें गेज लगा होता है, यहाँ गेज की ये साइड बनी हुई है, अलग से दी हुई है इसके अंदर, अगर हम इसको हटा दें तो इसमें बैक कंप्रेसर बन जाएगा, और अगर इसको लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके लगाने के बाद अगर कोई बैक कंप्रेसर बनना है तो इसमें बैक कंप्रेसर आने की जो दिक्कत होती है वो संभावना मैं बताता हूँ क्या क्या कारण होते हैं बैक कंप्रेसर के। या तो इसका टर्बो ख़राब हो तो बैक कंप्रेसर आता है, और या फिर पिस्टन बिल्कुल लो हो गए हो, जान बची ना हो, ख़राब हो गए हो, तो उसका कारण भी बनता है कि बैक कंप्रेसर आ रहा है, जो गेज के अंदर से जहाँ से हम ऑयल नापते हैं वहाँ से धुआं आता है बहुत ज़्यादा, जैसे सिलेंसर से भर के आता है धुआं, इसी तरीके से वहाँ से भी धुआं आता है। और तीसरा जो कारण होता है, अगर हमारा जो टैबिट कवर होता है, टैबिट कवर अगर चोक हो जाए या बंद हो जाए, ये टैबिट कवर है इसका, टैबिट कवर अगर चोक या बंद हो जाए, यहाँ से अगर इसका एयर नहीं आ रहा इंजन का, तो क्या होता है इंजन के अंदर एयर बन जाती है, तो वो फिर इंजन बैक कंप्रेसर फेंकना शुरू हो जाता है। तो ये तीन कारण होते हैं इसके अंदर बैक कंप्रेसर बनने के। और ये जो इंजन खुला है, बैक कंप्रेसर भी था इसके अंदर, इंजन ऑयल की लीकेज भी थी, जिसके कारण इंजन ऑयल ख़त्म होने की वजह से इसमें इंजन में बहुत ज़्यादा पिले आ गई, आवाज़ आ रही है गड़गड़ की। और हमने इसका इंजन खोल ही दिया है, और आपको सारा पार्ट इंजन और इसके कारण सारी कुछ ही बता दिया है, ये देखिए हमने सारा कुछ इसका खोला हुआ है। और हमारे चैनल को देखने के लिए आपका शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें नई नई वीडियो देखने के लिए।